राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वो क्यारी तैयार की थी पिछवाड़ी, ये दो कूल से लगाए थे, ये दो तीन जिनमें मूलियाँ लगाई थी, ये सब देखे थे आपने। तो कल खुदाई करके ये दो क्यारी तैयार की थी, ये वाली, और इसमें लगाया भाई जोई। जोई क्या होती है, ज्वार जैसी होती है, इनके लिए लगाया है, इन दोनों के लिए, क्योंकि बाज़ार में क्या मार्केट में पट्टे है नहीं, मार्केट बोले तो खेत खेत में अभी पट्टे है नहीं भाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना घर की ज़मीन में प्लाट में लगा दिया जाए इतने जब तक हो। और यहाँ पे धनिया लगाया था, धनिया निकल गया, ये देखो ये धनिया निकल रहा है। और इधर ये जो है ये पालक है, ये पालक निकल रही है, इसमें पालक लगी हुई है। तो अभी मैं लगाऊंगा ये जो डोली है, ये वाली ऐसे घूम के, ये इनके ऊपर लगाएंगे आपा भाई मूली, गाजर, सोंगरे और दो तीन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लगाएंगे। जोई जोई का ये बीज होता है, देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है इसके अंदर, ये गया चावल के दाने जैसा। तो ये जोई का बीज है, थोड़ा बहुत ऊपर रह गया, ये निकल जाएगा, फिर भी भैंसों के लिए लगाया है। इसके अंदर पट्टे हो जाएंगे, इसमें उसमें, और ये पीछे वाली जो है इसमें भी पट्टे लगा देंगे सारी में, यहाँ से यहाँ तक पूरी इसमें पट्टे लगाएंगे। तो लेके आते हैं बीज भाई, अंदर पड़े होंगे, देखते हैं बीज है कहाँ कहाँ रखा हुआ है, बीज ढूंढते हैं। बीज कहाँ पड़ा है, पुराने वाला बीज कहाँ है, किसमें? और वो नए वाला बीज इसमें थोड़ी है, इसमें पानी बीज बहुत, इसमें बीज थोड़ी है, इसमें तो खेत की दवाइयां है, इसमें यहाँ बैठ के पहले बीज तैयार करते हैं भाई, फिर करेंगे दूसरा काम। इसमें देखते हैं पहले क्या क्या पड़ा है, ये आयुर्वेदिक खाद है, इसमें मिलेगा बीज। गांठ भी दो मार रखी है। ये भाई धनिया, धनिया भी लगाएंगे, धनिया का खुला बीज भी पड़ा है। ये क्या है, अनोखा चप्पन कद्दू, ये नहीं लगाना, इसका तो सीजन ही गया। वो धनिया का बीज तो तमन्ना ने कहीं धरया था, देख वो कहीं पड़ा है। तो ये है भाई गाजर का बीज, लेकिन इसमें है नहीं, गाजर का बीज अलग से निकला हुआ कहीं, दिखाता हूँ। ये तो गेंदे का है, ये ककड़ी है, इसका भी सीजन गया। जिन जिन के सीजन चले गए उन सारे बीजों को यहाँ निकाल देते हैं साइड में अपने काम के लिए। ये भी दवाई है भाई, सब्जियों को हरा पीला रखने के लिए। एक धनिया का पैकेट और निकलाया गया, ठंडा पड़ा भाई। पुराने बीज तो भाई सब एक्सपायर हो रखे हैं, नए वाले लगाते हैं, इसके अंदर से निकालते हैं मूली और गाजर के और धनिया। तो ये है दोस्तों मूली का बीज, और इसमें है गाजर का, गाजर का बीज कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो किसी ने कहीं उन्हें देखा भी नहीं होगा गाजर का बीज कैसा होता है, जीरा जीरा होता है ना, जीरा जीरे जैसा होता है। ये देखो
यहाँ रख के दिखाता हूँ, ये रहा, दिख गया, ये होता है जीरे जैसा। तो लगाते हैं अभी पहले मूली का बीज, पहले इस क्यारी अंदर मूली का बीज लगाते हैं, बाकी बाद में लगाएंगे। ये तीन बीज लगाए हैं भाई, मूली, धनिया और गाजर। ये जो डोली है इसके अंदर बीच में तो गाजर, दोनों साइड मूली, और ये पूरी डोली है इसमें गाजर, इसमें गाजर धनिया मिक्स करके, और ये वाली जो पूरी डोली है इसमें भी धनिया है सारा। अब बीच बीच में मोंगरे के बीज और लगा दूँगा। गर्मी हो गई और बादल हो रखे हैं ज़बरदस्त, लेकिन उमस हो रखी है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है लेकिन उमस है। ये किन्नू का पेड़ है दोस्तों, इस पर सुंडी लग गई थी तो मैंने देसी जुगाड़ कर दिया है कि भैंसों की दवाई पड़ी थी चीचड़ों वाली, एक दवाई आती है चीचड़ तो मतलब पानी में डाल के स्प्रे कर दे, तो करते तो भैंसों पे है। मैंने कहा चलो भाई इन पर ट्राई कर लेते हैं, है तो कीड़ों की दवाई, तो मैंने भाई इस पर ट्राई कर दी। इस पे, ये सेब के ऊपर और एक वो किन्नू का पेड़ है, तीनों पे भाई इतना बढ़िया रिजल्ट आया, देखो बुढ़ा कैसे चल पड़ा, एक भी कीड़ा सुंडी मच्छर कुछ नहीं है, ना इसके ऊपर, ना सेब के पेड़ पे, और ना ही उधर एक और किन्नू है उसके पेड़ पे। तो ट्रीटमेंट अच्छा हो गया वो, अब इंतजार है भाई मूली निकलने का, मूली, गाजर, धनिया, जोई, उधर पालक, इनके मौज हो जाएगी, क्योंकि मूली जितनी भी खाएंगे सारों के पत्ते यही खाएंगे, फिर इनके हो जानी है मौज दोनों के, माँ बेटियों के। ये देखो थोड़ी देर उठती है, सोती है, खाती है, फिर सो जाती है। ये देखो अपनी माँ को टिकने नहीं दे रही, इसकी पूंछ खा रही है ये देखो। तो बरसात की बूंदें गिरनी शुरू होगी, छाटे पड़ रही है भाई, वो देखो यहाँ दिखाई देंगी, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से भाई, नहीं तो इस भैंस को ये चैन से खड़ा नहीं होने देगी। इसको वापस शेड के नीचे बांधते पंखा चला के, वापस यहीं बांध दिया भाई इसको। तूड़ी भी है, हरा भी है, तूड़ी कम टोकरा ज़्यादा खाएगी ये, तो इसलिए टोकरे को दूर कर देते हैं भाई। मूंग बड़े चाव से खाती है ये, तो मूंग यहाँ डाल देते हैं, थोड़ी सी सूखी तूड़ी इसको इधर डाल देता हूँ, खानी होगी तो खा लेगी, पानी ज़रूर पिएगी अभी ये। देखो जैसे ही पानी रखा सपट सपट लगी पीने, प्यास लग रही थी इसको, पीले पीले ठंडा पानी, बार मौसम ठंडा है थोड़ा, तो भैंस को बाद में शिफ्ट करेंगे आगे। अभी देखो भैंस भी इधर होगी, पहले भैंस ने अपनी पाटी की तरफ मुंह कर रखा था दूध चुंगाने के लिए, बेट है वो भी, और जैसी पाड़ी यहाँ से हटाई ये वापस अपनी जगह पे चलेगी, कितना चतुर दिमाग है इसका। पंखा चलाना भूल गया यार, पंखा चला देते हैं ताकि ये गर्मी ना मरे यार, कम से कम मक्खियों से तो परेशान नहीं होगी, सारा जुगाड़ यहीं पे सेट है। ये भैंस के लिए कूलर है रात को चलाने के लिए, एक मौका कभी रात को अंदर बादल पड़ जाए तो ये हमारा देसी जुगाड़ है। पट्ठे आज सुबह टाइम से ले आए थे भाई, क्योंकि बरसात का टाइम था तो बरसात हो रही थी, तो टाइम से ही ले आए भाई, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बड़ी जल्दबाजी में गए थे,